गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया। अब हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा मेन स्ट्रीम टॉपिक तो नहीं है, मतलब कि वो थ्योरी में एज अ थ्योरी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट न्यूमेरिकल में वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में वो काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए हम आज ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, या आप ऐसा भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। जब पार्टिकल की बात होगी तो सिंगल पार्टिकल होगा, वन ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, और जब सिस्टम की बात होगी तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम अगर है तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन होगी। आपको सिंपल याद रखना है कि जब मैं पार्टिकल बोलूं तो भी आप सिस्टम में उसको ले सकते हैं, सिस्टम बोलूं तो पार्टिकल में ले सकते हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हाल फिलहाल पार्टिकल बोल रहा हूँ। कोई भी पार्टिकल है और अगर उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो आप कहेंगे तो वो स्टेबल है या वो इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही कोई सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल का, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं रखता हाल फिलहाल, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में आता है कि वो रोटेट भी नहीं करना चाहिए। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स तो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं बट वो कॉन्करेंट नहीं है वो फोर्स, यानी कि वो एक ही लाइन से पास नहीं कर रहे हैं, तो रोटेट करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डस्टर है, इसमें एक फोर्स इधर से लगा और इतना ही फोर्स मैं इधर से लगाता हूँ, तो एक्शन ऑफ लाइन दोनों फोर्स की सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर मोशन ये नहीं कर सकता नेट फोर्स जब ज़ीरो होगा, बट यही फोर्स है जब कॉन्करेंट है, मीन्स इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन जब सेम होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये फोर्स यहाँ लग रहा है और दूसरा फोर्स इस एंड में लग रहा है और एक इस एंड में लग रहा है, अब ऐसे कंडीशन में ये रोटेट करने लगेगा, लीनियर मोशन तो नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स अभी भी ऑब्जेक्ट में ज़ीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स ज़ीरो हो जाना ही इक्विलिब्रियम के लिए सफिशियंट नहीं है। जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नेट फोर्स तो ज़ीरो है ही और वो दोनों फोर्स कॉन्करेंट भी हैं, दो हों, तीन हों, चार हों, कितने भी फोर्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे फोर्स कुछ ऐसे पॉइंट से पास होंगे तो उनका वेक्टर सम ज़ीरो हो जाएगा, ये इसकी थ्योरी है। दो फोर्स हैं तो सेम लाइन पर होंगे, यानी उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो सेम होगी, बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ना तो रोटेट होगा और ना ही वो ट्रांसलेट होगा। लेकिन क्या हो अगर वो तीन हो जाएं, चार हो जाएं, पांच हो जाएं, तब भी वो किसी एक पॉइंट से गुजरेंगे, वो सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से गुजरेंगे जहाँ कि उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जब आप उस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो वो वेक्टर सम ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, उनकी एक्शन ऑफ लाइन जरा भी बाहर नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट में मिलते हुए फील होंगे, तभी वो कॉन्करेंट कहलाएंगे। अगर वो कॉन्करेंट नहीं है तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, टू फोर्स के इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें सिर्फ दो फोर्स ही काम कर रहे हैं, एक फोर्स है ये F1 और दूसरा फोर्स है इसमें F2 और ये इक्विलिब्रियम पे है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, तो इस केस में इसमें F net = 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 + F2 = 0,
मीन्स एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, यानी एफ वन की वही मैग्नीट्यूड है जो एफ टू का मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है। एक की डायरेक्शन को हमने प्लस लिखा है और दूसरे की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हमने उसको माइनस लिखा है। फिजिक्स में प्लस और माइनस डायरेक्शन के लिए ही होते हैं और ठीक अपोजिट डायरेक्शन के लिए ही माइनस आता है। एक अगर प्लस है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम माइनस लिखते हैं। तो एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब यहाँ इक्वल आया है इसमें माइनस है मतलब ये अपोजिट है और डायग्राम में दिख भी रहा है। अब हम थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस अज्यूम करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसमें एक फोर्स लग रहा है एफ वन, दूसरा फोर्स लग रहा है एफ टू, और जो थर्ड फोर्स है वो थर्ड फोर्स लग रहा है एफ थ्री। जब आप इनको कहीं ऐसे इनके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये मिलेगा और जब ही जाके ये बैलेंस होंगे। तो आप लिख सकते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम फॉर स्टेबिलिटी नेट फोर्स एफ नेट मस्ट बी जीरो, मीन्स एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इनको सॉल्व करने के लिए आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, और लास्ट में हम दो फोर्स हमको मिलते हैं, एक फोर्स मिलता है एफ एक्स और दूसरा मिलता है एफ वाई, और फिर हम उनको एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट करके नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो ऐसे केस में न्यूमेरिकल में आपको ये तो एफ एक्स है ही एक्स के अलॉन्ग, बाकी इनके एंगल दिए होंगे वाई से, इसका एंगल दिया होगा कुछ, तो इनके रिजॉल्व करके और हम नेट एफ एक्स एंड नेट एफ वाई निकालते हैं और देन लास्ट में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनमें से दो का कोई एक तीसरा रिजल्टेंट ज़रूर होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये होगा। अगर आप ये दोनों फोर्स लेंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट ये होगा, और अगर ये दोनों आप लेते हैं फोर्सेस तो इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट ये होगा। आप किसी को भी बेस लाइन बना लो, सपोज आप एफ वन को लेते हो तो आपने बनाया एफ वन, फिर एफ टू चल रहा है इससे, तो एफ वन के एंड पॉइंट से आप एफ टू ड्रा करोगे तो ये आपको मिलेगा एफ टू इनके बीच, और ये एफ टू के बाद एफ थ्री की डायरेक्शन के ऐसे आप जब आप चलोगे तो ये मिलेगा आपको एफ थ्री। तो एफ वन एंड एफ टू का जब आप वेक्टर सम करोगे, इनके बीच का कुछ एंगल यहाँ पे बना लोगे, वो दिया होता है न्यूमेरिकल में, तो एफ थ्री ही आएगा। मीन्स आप लिख सकते हो एफ वन प्लस एफ टू दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ थ्री। या आपने ट्रायंगल ला पढ़ा हुआ होगा वेक्टर में तो ऐसा ही होता है। कहाँ से पता पड़ रहा है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो किन्हीं भी दो का जो वेक्टर सम होगा और वो जिधर जाएगा वो वहाँ पे आपको तीसरे फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ हमने वेक्टर लगा रखा है तो यहाँ पे आप इसको माइनस लगा दोगे। माइनस साइन सिर्फ क्या बताएगा आपको? माइनस साइन बताएगा इनका मतलब नेट डायरेक्शन क्या है। तो नेट डायरेक्शन इन दोनों के वेक्टर सम की जो होगी उसके ठीक अपोजिट एफ थ्री की डायरेक्शन होगी। यानी कि आपका एफ वन एंड एफ टू का मान लेते हैं कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाता है, तो जो एफ थ्री होगा वो एफ थ्री ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में ये हेल्पफुल है। अब आगे हम इसी के साथ कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी फोर्सेस से ही रिलेटेड है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम शॉर्ट में FBD भी कहते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मान लो कि कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
उसका अपना कुछ मास है एम, तो उसका वेट होगा एम जी, और वेट एक फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आर ऊपर की ओर। और अब ये दो फोर्स हो गए, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। तो आप लिख सकते हो आर प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो है, इसलिए हम आर प्लस एम जी इक्वल टू जीरो। तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी। इससे क्या पता पड़ता है कि जो रिएक्शन फोर्स है वो एक्शन के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले जाओगे और आप इसको फ्री स्पेस में बनाओगे, एक फोर्स मिलेगा आपको एम जी और एक फोर्स मिलेगा आपको रिएक्शन फोर्स। आपको रिएक्शन फोर्स भूलना नहीं है, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पुली के, और पुली के क्वेश्चन में हम बार बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हमको ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल का मतलब होता है नेट फोर्स शुड बी जीरो ऑन अ सिस्टम और ऑन अ पार्टिकल, और नेट टॉर्क शुड बी जीरो। ऐसा ना हो कि फोर्स तो दो लगें और कैंसिल भी कर रहे हैं और आप कह दो नेट फोर्स जीरो है, बट वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग होने से रोटेट करने लग जाए, एक इधर लग रहा है इस कॉर्नर में, दूसरा इस कॉर्नर में, दोनों पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, तो कंडीशन तो सही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेट फोर्स जीरो होगा तो मूव तो नहीं करेगा बट रोटेट करने लग जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे इसको फिजिक्स में। ठीक, तो रोटेट भी ना करे, इसके लिए वो कॉन्करेंट होने से ये लाइन ऑफ एक्शन की कहीं एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। तीन फोर्स हैं, चार फोर्स हैं, ऐसी कंडीशन में भी वो कुछ ऐसे पॉइंट से पास होना चाहिए उनकी लाइन ऑफ एक्शन कि जब उन सब का वेक्टर समाप्त करो तो आपको नेट फोर्स जीरो ही मिले। ये कंडीशन होती है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है न्यूमेरिकल में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे पुली। ओके, थैंक यू वेरी मच।